हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सबका बीएम साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोविड-19 का प्रभाव इतना अधिक हो चुका है कि देश भर में लोग कहीं कहीं बीमारी से सड़क पर, रोड पर, तो कहीं घर में और हॉस्पिटल में जाने से डर रहे हैं लोग, क्योंकि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है, तो कहीं कहीं हॉस्पिटल में अच्छा देखभाल नहीं किया जा रहा है, तो कहीं कहीं हॉस्पिटल में बेड की कमी है। इसके वजह से पूरे देश में एकदम तबाही मची हुई है। अतः हम आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप अपने घर में रहें, घर से पढ़ाई करें, ऑनलाइन वीडियो देखें, उससे अपना स्टडी करें और वैसा ही जरूरत काम हो जिसके बिना आपको कोई परेशानी हो रही है, मतलब ज़्यादा जरूरी काम हो तो आप बाहर निकले, अन्यथा घर में रहें सुरक्षित। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले माई से पुन्ना कुमार और यह आपका छोटा सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल बीएम साइंस एकेडमी। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और लाइक और शेयर करेंगे, क्योंकि तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का केमिस्ट्री। क्लास ट्वेल्थ का केमिस्ट्री जिसका आपको दो वीडियो पीछे प्रोवाइड कराई गई है, ये थर्ड लेक्चर रहेगा और चैप्टर नंबर भी आपका 3 चल रहा है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्योंकि पहला लेसन आपका सॉलिड स्टेट, दूसरा लेसन आपका सॉल्यूशन ऑफलाइन क्लासेस में खत्म कर दिए गए थे, आपको थर्ड लेसन जो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो ऑनलाइन लेसन में चल रहा है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस आपको बंद कर दिए गए। तो सारे स्टूडेंट का क्लास स्टार्ट रह सके इसके वजह से आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है वीएम साइंस एकेडमी के द्वारा। तो आप ध्यान देंगे, इसका दो लेक्चर यदि आप नहीं देखे होंगे तो पहले जाकर के हमारे चैनल पर उसको देखेंगे, उसके बाद ये लेक्चर आपको मजा से समझ में आने वाला है। तो आज का क्लास हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर। पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, क्या क्या स्टडी करना है। सेकंड लेक्चर में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोलाइसिस को, फैराडे लॉ को, आज कुछ और करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर, जिसमें आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे कंडक्टिविटी के बारे में, चालकत्व के बारे में। जैसे पिछले क्लास में हम लोग फैराडे लॉ पढ़े थे, फैराडे पढ़े थे हम लोग, फैराडे का लॉ पढ़े थे, दो लॉ इन्होंने दिया था, आपको याद होगा। एक इलेक्ट्रोड पर जितनी पदार्थ की मात्रा जमा होती है वो समानुपाती होती है करंट की सिटी, और दूसरा समानुपाती होता है समतुल्य भार। इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की जितना मात्रा जमा होता है वो समानुपाती होता है समतुल्य भार। यदि आप ये लेक्चर नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले आप जा करके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर बीएम साइंस एकेडमी के चैनल पर देखेंगे तो आगे आपको समझ। तो पेन कॉपी कलम उठा लेंगे क्योंकि इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी पढ़ने से पहले छोटी सी एक बात हमारी याद रखेंगे, जैसे हम लोग फैराडे लॉ पढ़े थे जिसमें एक हम लोग बीकर लिए थे और इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, विद्युत अपघट्य को डालते हैं, इसके अंदर एक विद्युत अपघट्य यदि हम NaCl को डाले और इसमें एक प्लस और एक माइनस, प्लस और एक माइनस डाल देते हैं, ये आपका एनोड बन जाता है, ये आपका कैथोड बन जाता है। तो NaCl क्या हो जाता है, टूट जाता है, Na प्लस में और Cl माइनस में, ये प्लस माइनस पर चला जाता है और माइनस प्लस पर आ जाता है। ये हम लोग देखे थे विद्युत विच्छेदन की प्रक्रिया। अब होता क्या है कि जस्ट एक करंट इधर जा रहा है तो क्या जितना करंट देंगे उतना करंट यहां से आ जाएगा, कुछ रुकेगा, रुकेगा से किसी वायर में कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि प्रतिरोध क्या होता है, एक वैसा फैक्टर होता है, एक वैसा कारक होता है जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, यानी धारा की स्पीड को कम करता है, उसके प्रवाह को कम करता है, उसके वोल्टेज को कम करता है, धारा को रोकता नहीं है, जितना उतना जाने देगा, बस उसके प्रभाव को क्या करेगा, कम कर देगा। तो बात करने वाले हैं आज हम लोग कंडक्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी क्या करता है कि करंट को जाने देता है, और प्रतिरोध क्या करता है, आपका धारा को रोकता है। तो प्रतिरोध रोकता है, कंडक्टिविटी जाने देता है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो सबसे पहले कंडक्टिविटी पढ़ने के लिए थोड़ी सी हम लोग प्रतिरोध की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी हम लोग इसकी बात कर लेते हैं बाबू, प्रतिरोध की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी फिजिक्स में लेकर के चलते हैं, प्रतिरोध की बात करते हैं ना, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हम लोग सब जानते हैं, प्रतिरोध होता क्या है तो आप भी जानते हो, कहते क्या सर ये केमिस्ट्री है फिजिक्स कहाँ से आ गया, जिसको फिजिक्स पढ़ने में थोड़ी सी परेशानियां होती होगी उनको लगता होगा कि क्या सर केमिस्ट्री में फिजिक्स लगा दिए, आइए फिजिक्स मजा वाला सब्जेक्ट है। तो प्रतिरोध क्या होता है याद रखेंगे कि ये धारा के मार्ग में ऑब्स्ट्रक्ट रोक लगाता है, अवरोध खड़ा कर देता है, यानी कि धारा में रुकावट
धारा में क्या करता है, रुकावट उत्पन्न करता है, यही प्रतिरोध है। धारा में क्या करता है, रुकावट उत्पन्न करता है। और याद रखेंगे कि जो प्रतिरोध होता है, ये जो प्रतिरोध होता है वो तीन चीज पर निर्भर होता है। प्रतिरोध कितने चीज पर निर्भर होता है, तीन चीज पर प्रतिरोध की निर्भरता होती है। देखिए प्रतिरोध की निर्भरता तीन चीज पर, पहला चालक की लंबाई, चालक की लंबाई, दूसरा चालक की क्षेत्रफल जिसको हम लोग कहते हैं मोटाई, और थर्ड नंबर चालक की प्रकृति। भैया सोना के तार लगाया कि चांदी के लगा हुआ है, कि अल्मोनियम का लगा हुआ है, कि कॉपर का लगा हुआ है, वो प्रकृति से पता चलेगा। तो याद रखेंगे कि एक्सपेरिमेंट में ऐसा देखा गया कि प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। जितना लंबा तार लेंगे प्रतिरोध उतना ज्यादा क्या होगा, बढ़ेगा। या आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा, नहीं पता चल रहा होगा आपको पूरा फील से कि आखिर लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध कैसे बढ़ेगा, तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी बीएम साइंस एकेडमी YouTube पर टाइप करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी बीएम साइंस एकेडमी, उसका जाकर के सेकंड लेक्चर देखेंगे। उसमें प्रतिरोध का पूरा चीर फाड़ किया गया कि प्रतिरोध होता क्या है, वहां पे उसका ऑपरेशन पोस्टमार्टम सब किया गया है, वहां जाकर क्या पता। तो पहला चीज ऐसा देखा गया कि प्रतिरोध क्या होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। सेकंड देखा गया कि प्रतिरोध जो होता है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर दोनों को एक साथ कर दे तो R समानुपाती क्या हो जाएगा, L into 1 by A, यानी कि R समानुपाती आपका हो जाएगा L by A। ये जो L by A नजर आ रहा है ना, इस L by A को बोला गया है सेल कांस्टेंट का, याद रखें। इस L by A को क्या कहते हैं बाबू, सेल कांस्टेंट। इस L by A को क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट। ये किसी भी सेल का स्थिरांक मान है, इसको भी याद रखेंगे कि सेल कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है, सेल कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है, L बटे A, जहां L क्या है बाबू, चालक की लंबाई है, ये चालक की लंबाई है, अब A क्या है, चालक का क्षेत्रफल, ये चालक की आपका क्षेत्रफल है, इसको आप नोट करके रखें। अब थोड़ी सी इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, तो समानुपाती चिन्ह को अगर हटाते हैं, एक कांस्टेंट यहां से लगाना पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं रो। कांस्टेंट को क्या कहते हैं हम लोग, रो और इनटू एल बाय ए। ये जो आपको रो दिख रहा है इसको कहते हैं रो आर ए, इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बोले तो विशिष्ट प्रतिरोध, रेजिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध। अगर इसका मान निकालना हो तो थोड़ा सा देखें, तो यहां से अगर हम रो इक्वल टू लिखे तो ए आ जाएगा इधर, यानी आर ए और बट्टा में क्या हो जाएगा एल। ये विशिष्ट प्रतिरोध का आपका क्या हो गया, फॉर्मूला। वन यहां बना था, टू यहां बना था, थ्री यहां बना। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें कि ये रो जो है इस प्रतिरोध के ही बराबर हो सकता है। ये विशिष्ट प्रतिरोध है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और ये क्या है, रेजिस्टेंस। अगर एक मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल और एक मीटर लंबाई की वायर ले लिया जाए तो दोनों जगह एक रखेंगे तो एसआर और आर दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। यानी कि यदि एक मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल तथा एक मीटर लंबाई वाले तार हो तो तार हो तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू वन बाई वन, यानी रो इक्वल टू आर। तब क्या होगा कि आपका जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा, आपका जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि एक मीटर लंबाई तथा एक मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले तार का जो प्रतिरोध होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट। देखिए एक एक लेकर के रखे तो जो प्रतिरोध आपका आया वही तो विशिष्ट प्रतिरोध है, दोनों को बराबर हो गया। यानी एक मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल और एक ही मीटर लंबाई वाला तार हो
तो उसका अंदर जो प्रतिरोध होगा वही क्या होगा आपका विशिष्ट। थोड़ा सा इसका यूनिट की बात कर लेंगे, तो सबसे पहले प्रतिरोध का आप लोग आर का यूनिट जानते हैं। यूनिट ऑफ आर कौन सी होता है बाबू बताओ, ओम। यूनिट ऑफ आर कौन सी होता है, ओम। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक लिखिए, तो विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू का आया है आर एल बटे ए, यही ना आया है। तो इसका यूनिट अगर देखें तो प्रतिरोध का मात्रक ओम, लेंथ का मात्रक बताओ मीटर, ए का मात्रक बताओ मीटर स्क्वायर, एक मीटर से एक मीटर कटा तो ये हो जाएगा ओम पर मीटर, दो मीटर ऊपर जाएगा एक मीटर नीचे बच गया, इसका नाम क्या हो जाएगा ओम पर मीटर। ओ एक चीज और आर ए बटे ए उठा, फॉर्मूला क्या निकल कर आया है, रो इक्वल टू क्या होता है आर ए बटे ए। तो यूनिट जो इसके होने वाला है प्रतिरोध का यूनिट क्या हो जाएगा ओम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा मीटर, एक मीटर से एक मीटर कटेगा तो बच के रह जाएगा आपका ओम मीटर। याद रखें प्रतिरोध का मात्रक ओम और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर। तो कहिएगा का सर पढ़ना था कंडक्टिविटी तो पढ़ा दिए रेजिस्टिविटी, ये कौन सी बात है। अरे तो अभी देखिए ना कंडक्टिविटी में आ रहा है कितना मजा आता है, मेरे सुनो तो कीजिए, ये आपको पढ़ा दिए ताकि कंडक्टिविटी पढ़ने में मजा आ जाए। तो प्रतिरोध याद रखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध को याद रखेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करेंगे और नोट डाउन करेंगे, नोट जाते हैं स्क्रीनशॉट ले लेंगे, 1 2 3 चार। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी का, तो प्रतिरोध का किया थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, प्रतिरोध धारा को रोका, प्रतिरोध का किया धारा को रोका मैंने तो रुकावट उत्पन्न किया। अब बात करें कंडक्टिविटी का, जिसको इंग्लिश में अरे हिंदी में कहते हैं हम लोग चालकत्व, तो ये क्या करता है धारा को आसानी से जाने देता है, ये क्या करता है धारा को सुगमता से यानी कि आसानी से प्रवाहित होने देता है, प्रवाहित होने देता है, यानी यह प्रतिरोध का उल्टा हो गया, प्रतिरोध धारा को आसानी से जाने नहीं देता, उसमें रुकावट उत्पन्न करता है, तुम उधर से आओगे तो हम इधर जाने नहीं देंगे, तुम्हारे तो कहता है कि ना हम जबरदस्ती जाएंगे, रोकने का काम करता है। तो थोड़ा सेल क्या करता है बैटरी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, इलेक्ट्रॉन प्रतिरोध को पटक पटक के मारता है और पार हो जाता है, लेकिन पटक पटक के मारने में क्या होता है इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी कम हो जाती है, एनर्जी कम होने से धारा का वोल्टेज जो होता है वो कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन तो उतने जा रहा है लेकिन उसकी क्षमता क्या हो गई कम हो गई, क्योंकि कुछ एनर्जी प्रतिरोध को पटक पटक मारने में खत्म कर दिया। तो प्रतिरोध क्या करता है धारा को रोकने का काम करता है, ये क्या करता है चालक तो धारा को आसानी से एकदम सुगमता से प्रवाहित होने देता है, यानी कह सकते हैं कि यह प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है कि ना होता है, यह प्रतिरोध के कोची हो गया व्युत्क्रम हो गया, इसीलिए प्रतिरोध बताया। याद रखें कंडक्टेंस है कंडक्टिविटी है तो इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है, सी द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं सी इक्वल टू 1/r। अभी देखो मजा आया, प्रतिरोध नहीं बढ़ते तो इसका फेर मिलता नहीं मिलता, प्रतिरोध रोकता है ही जाने देता है, प्रतिरोध रोकता है ही जाने देता है, जाने देता है प्रतिरोध रोकता है, प्रतिरोध रोकता है ही जाने देता है, एक दूसरा को उल्टा है। तो C इक्वल टू 1/r या चूंकि r इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं रो एल बटे ए, तो यहाँ पे C इक्वल टू 1/r की जगह यहाँ पर रो एल बटे ए, ये चल जाएगा आपको ऊपर, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा रो इंटू ए बटा रो इंटू ए। अगर इसका यूनिट की बात करें, अगर इसका मात्रक देखा जाए तो बताओ क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, रो का मात्रक, रो क्या होता है बाबू, रो क्या है विशिष्ट प्रतिरोध,
रोग क्या है? विशिष्ट प्रतिरोधक तुरंत मात्रक निकलवाए थे। जल्दी बोलो ओम मीटर। और एल क्या हो जाएगा? लंबाई मीटर। तो मीटर से मीटर, ये मीटर से यो मीटर, खत्म। नीचे बचा ओम, ऊपर जाएगा तो परम। अरे ऐसे भी बात है यार, प्रतिरोध का मात्रक ओम, ऊपर जाएगा तो परम। क्या प्रतिरोध का मात्रक ओम, चालक तो क्या प्रतिरोध का उल्टा, तो ओम का उल्टा पर ओम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पर ओम, या इसको पलट के लिखो, इसको महो भी लिखा जाता है। महो महो नहीं महो नहीं महो, उत्तर जैसे बोलते उस तरह महो ना। तो इसका यूनिट क्या होने वाला है? महो। तो ये आपका हो गया चालक। अब देखे थे प्रतिरोध से क्या निकला था, विशिष्ट प्रतिरोध। उसी तरह से आपको चालकत्व से निकल कर आएगा विशिष्ट चालक। तो बात करें विशिष्ट चालकत्व का, विशिष्ट चालकत्व एकदम आसान है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस भी कह सकते हैं इसको। तो जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम लोग क्या देखे थे, रो। अभी थोड़ी सी हम इधर खोपचा में आ जाओ तो स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, कि रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। इसका मात्रक अभी देखे थे कौन सा था, ओम मीटर। आप देखे प्रतिरोध का उल्टा कौन सा होता है, चालकत्व। नॉर्मल से सोचो प्रतिरोध का उल्टा चालकत्व, यानी चालकत्व क्या है, प्रतिरोध का उल्टा है। चालकत्व क्या है, प्रतिरोध का उल्टा है। तो विशिष्ट चालकत्व क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होगा। अरे चालकत्व प्रतिरोध का उल्टा है तो विशिष्ट चालकत्व विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होगा। इसीलिए पढ़ाए थे आपको, याद रखें विशिष्ट चालकत्व जो आता है तो यह विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग क्या बोलते थे, रो का व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम होता है। और एक चीज, नया चीज इसमें याद रखेंगे कि इसे कप्पा द्वारा, इसको कप्पा कहते हैं। अब घर में आप लोग के कप्पा होंगे, जब टुक 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 करके दो चार छापा जाते होंगे, यदि आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो इसे कप्पा द्वारा सूचित किया जाता है, से कप्पा द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कप्पा इक्वल टू कह सकते हैं 1 बटे रो, देखो c इक्वल टू 1 बटे r और कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बटे रो, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा। अब थोड़ा सा रो का मान रख देंगे तो कप्पा इक्वल टू 1 बटे रो क्या हो जाएगा आपको, r a बटा l। तो l चल जाएगा पलट करके ऊपर तो कप्पा इक्वल टू हो जाएगा l बटा r। और ऐसे भी देखे थे कि इसका मात्रक हो जी ओम मीटर, तो इसका मात्रक आने वाला पर ओम पर मीटर। अगर यूनिट की बात करें तो एल का मीटर, नीचे इसका हो गया ओम और इसका हो गया मीटर, इसका एक मीटर से एक मीटर कट गया, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा पर ओम। तो ये मिल गया आपको विशिष्ट चालकत्व, तो, और ये आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन आता है विशिष्ट प्रतिरोध से, क्या समझते हैं, याद रखें विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, अरे विशिष्ट चालकत्व से आप क्या समझते हैं, तो विशिष्ट चालकत्व क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। कप्पा से डिनोट करते हैं, कप्पा इक्वल टू 1 बटा आपका रो होने वाला, तो रो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, इसको उल्टा में रखेंगे रो इक्वल टू फार्मूला आर ए बटा एल, फार्मूला होता है तो एल को ऊपर लेके चल जाएंगे तो एल बटा आर ए मिल जाएगा, यूनिट निकालेंगे पर ओम पर मीटर, इतना लिखेंगे आपको मिल जाएगा दो नंबर। तो कितनी आसान सी बात। तो ये रहा आपका विशिष्ट, क्या आपका चालकत्व और विशिष्ट प्रतिरोध, सब पढ़ ली। अब दो और चालकत्व आपको पढ़ने हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और वो आपको एग्जाम में भी देंगे दो दो नंबर। तो तीन चालकत्व आपके पढ़ने थे, एक विशिष्ट चालकत्व जो हमने दिखाया, अब आपको जो चालकत्व पढ़ने हैं वो दो ऐसे चालकत्व हैं जो थोड़ी सी आपको अलग इंफॉर्मेशन, ये क्या था प्रतिरोध से रिलेटेड था चालकत्व। अब दो चालकत्व आपको थोड़ी सी अलग इंफॉर्मेशन देंगे, जो याद कीजिए जब आप लोग सॉल्यूशन पढ़े थे, मान नॉर्मलिटी और मोलारिटी पढ़े थे,
तो नॉर्मल इंटी और मोलरिटी से निकल करके दो कंडक्टिविटी, दो चालक करवाते हैं। पहला आपका मोलर कंडक्टेंस होता है यानी मोलर कंडक्टिविटी होता है, और दूसरा आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता है। एक मोलर चालकत्व और दूसरा तुल्यांकी चालकत्व, जिसे समतुल्य चालकत्व भी कहते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे और एक दूसरे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और हम बात करने वाले हैं आपके दो और चालकत्व। तो टॉपिक लगा देंगे मोलर कंडक्टिविटी। तीन ही चालकत्व आपको पढ़ने हैं अपने सिलेबस में क्लास 12 के लिए, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो कि आप लोग पढ़े, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हम लोग पढ़ लिए, थोड़ा सा खोखला भी लिख लेते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हम लोग पढ़ लिए, कप्पा इक्वल टू क्या मिला हमें, 1/ρ या एल दिया था ऊपर, एल बटा जहाँ एल बाई ए क्या होता है बाबू, याद करो एल बाई ए क्या होता है, एल बाई ए क्या होता है, एल बाई ए क्या होता है, अरे घंटे एल बाई ए नहीं पता है, सेल कांस्टेंट भूल गया। एल बाई ए क्या होता है, सेल कांस्टेंट। आपको बताया था कि आर समानुपाती होता है किसके, एल बटे ए का होता है कि ना होता है, ये सेल कांस्टेंट होता है एल बाई ए। आई तो बात कर लेते हैं हम लोग, बात कर लेते हैं मोलर कंडक्टेंस का। मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी लिखो, हिंदी में कहते हैं मोलर चालकत्व। देखो मोलर चालकत्व क्या होता है, सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन देखेंगे उसके बाद समझेंगे। मोलर चालकत्व कहा जाता है कि दो काफी बड़े इलेक्ट्रोड के बीच रखा वैसा गोल जिसमें विद्युत अपघट्य का, विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम अणु या मोल घुला रहता है, तो उसे मोलर कंडक्टिविटी कहते। देखिए छोटा सा आपका डेफिनेशन बना कि दो काफी बड़ा इलेक्ट्रोड, दो आपके पास इलेक्ट्रोड है, एक मान लेते ये प्लस हो गया और एक क्या हो गया आपका माइनस हो गया। चलो दो काफी बड़े इलेक्ट्रोड है और दोनों के बीच में क्या है, एक गोल रखा हुआ, दोनों के बीच में क्या है, एक सॉल्यूशन रखा हुआ है, एक यहाँ पे सॉल्यूशन है किसका है, तो इलेक्ट्रोलाइट का है। इलेक्ट्रोलाइट बोले तो विद्युत अपघट्य का, एक विद्युत अपघट्य रखा हुआ और ऐसा विद्युत अपघट्य है, ऐसा विद्युत मतलब ऐसा सॉल्यूशन है, ऐसा गोल है जिसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट कितना मटेरियल है, एक मोल है, या इसी को हम लोग कहते हैं 1 ग्राम अणु, यानी कि कुल अणुभार। याद करो, याद करो सॉल्यूशन, 1 ग्राम अणु इक्वल टू क्या होता है, कुल अणुभार। जैसे अगर इसके अंदर NaCl घुला हुआ है तो NaCl का अनुभार 23+35 इक्वल टू हो जाएगा 58.5 ग्राम। इतना ग्राम अणु इक्वल टू हम कह सकते हैं, अरे इतना ग्राम NaCl इक्वल टू हम सीधे कहेंगे 1 ग्राम अणु, या इसी को हम लोग कहेंगे 1 मोल। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मोल। जितना अनुभार होता है वही 1 ग्राम अणु होता है या वही 1 मोल होता है। तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच रखा वैसा गोल जिसमें किसी पदार्थ का या किसी विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम अणु या 1 मोल यानी कि कुल अणुभार घुला हुआ रहेगा, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, मोलर कंडक्टेंस। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, मोलर कंडक्टेंस। उसी को क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टेंस। या थोड़ी सी इसकी एक और डेफिनेशन हो जाती है थोड़ी सी, याद रखिए कि विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व
का था विद्युत अपघट्य के आयतन भी के गुणनफल को मोलर चालकत्व करते हैं। और थोड़ा सा ब्रैकेट में यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जिसमें एक ग्राम अणु वैसा आयतन आपको पकड़ना है जिसमें क्या हो एक ग्राम अणु गोला। यानी कि यहां से आपका जो फॉर्मूला निकल करके आने वाला है वो ध्यान से देखेंगे इससे मिटा के। ये तो समझ गए ना मालूम क्या होता है, बिल्कुल समझ गए होंगे। यानी कि यहां से अभी हम मोलर चालकत्व को कहें तो मोलर कंडक्टिविटी जो आपका होने वाला है वो विशिष्ट चालकत्व यानी कि कप्पा और वॉल्यूम भी के गुणनफल को कहेंगे। यानी भी आपका क्या होने वाला है, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम जिसमें क्या हो एक ग्राम अणु घुला हुआ है, चाहे वन मोल घुला हुआ इसका इलेक्ट्रोलाइट का, इसका घुला हुआ है इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य का है कि। अब थोड़ी सी और हम लोग बात करते भी क्या है आपका वॉल्यूम है, भी क्या है आपका वॉल्यूम है कि नहीं, भी क्या है आपका वॉल्यूम। थोड़ा सा यहाँ मोलर है तो मोलारिटी की फॉर्मूला की बात करें, क्योंकि मोलारिटी इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं पदार्थ का भार ऊपर होता है, पदार्थ का भार बट्टे में अनुभार और गुना में हम लोग क्या पढ़े आयतन, आयतन क्या होता है बाबू लीटर। तो याद रखेंगे कि ये दोनों मिलकर के बनाते हैं मोल, पदार्थ का भार बटा अनुभार क्या होता है आपका मोल। यानी कि मोलारिटी इक्वल टू हमें मिल रहा है मोल और बट्टा में कौन सी आयतन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो मोलारिटी इक्वल टू मोल बटा आयतन, तो यहां से आयतन का फॉर्मूला हम निकाले, आयतन इक्वल टू क्या मिल जाएगा मोल बटा मोलारिटी होने वाला है कि ना। यानी कि मोल को लोग डिनोट करते हैं एम से और मोलारिटी कितना हमारे पास रहता है एम, मोलारिटी का डिनोट करते हैं एम से। तो थोड़ी सी यहां ऊपर देख रहे यानी कि चूंकि मोलर कंडक्टिविटी याद रखें मोलर कंडक्टिविटी को डेल एम से सूचित करते हैं, यानी कि जो डेल एम इक्वल टू हमारे पास आया था कप्पा इनटू में भी, तो डेल एम इक्वल टू होता सकते कप्पा इनटू वी आयतन के तौर पर क्या होगा एन बटे एम, एन बटे एम। अब चूंकि एन बराबर हमको कितना मोल से काम करना है एक मोल से, क्योंकि आपको पता भैया विद्युत अपघट्य हो ही देते हैं जिसमें एक ग्राम अणु या एक मोल घुला हुआ, तो एन की जगह यहाँ पर एक करेंगे तो डेल्टा एम इक्वल टू कप्पा इनटू वन बटा कोचे हो जाएगा एन। और थोड़ी सी और बात करेंगे कि ये जो आपका आयतन है बाबू, ये जो वॉल्यूम है ये लीटर में, क्या मैं लीटर में, यदि इसको सेंटीमीटर क्यूब में करना है, क्या मैं करना है सेंटीमीटर एक इन लीटर में काम होता है। अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब में करना है तो कुछ नहीं करना है कप्पा इनटू ऊपर में क्या कर देंगे 1000 से गुना और नीचे m, ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि जो आंसर होता है वो सेंटीमीटर क्यूब में आपसे मांगा जाता है। तो आपको इस तरह से 1000 से इसमें क्या कर देना होगा गुना, आपको मिल जाएगा मोलर कंडक्टिविटी। तो थोड़ी सी ध्यान से देख लेंगे मोलर कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला ये होगा और एक डेफिनेशन होगा कि दो काफी बड़े इलेक्ट्रोड के बीच में कुछ गोल रखा हुआ और गोल में विद्युत अपघट्य का कितना मटेरियल हो एक मोल हो या एक ग्राम हो है कि नहीं, या विशिष्ट चालकत्व और विद्युत अपघट्य के आयतन के गुणनफल को क्या कहते हैं मोलर चालकत्व कहते हैं, और वैसा अपघट्य का आयतन लेना है जिसमें एक ग्राम अणु घुला हुआ हो। तो यानी कि मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा आर डेल्टा एम इक्वल टू विशिष्ट चालकत्व कप्पा और आयतन कोचे हो गया कि नहीं। अब थोड़ी सी मोलारिटी की फॉर्मूला की बात करें, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो मोलारिटी का फॉर्मूला था पदार्थ का भार बटा अनुभार इनटू में आयतन, तो पदार्थ का भार बटा अनुभार क्या बन जाता है मोल, यानी इसको कहेंगे मोल बटा आयतन। यहां से आयतन निकालेंगे तो मोल बटा मोलारिटी, यानी मोल
घनफल को n और वेलोसिटी को m, यानी आयतन के जगह यहां पर हम लिखेंगे n बटा m, तो कप्पा और वॉल्यूम के जगह यहां पर n बटा m, कप्पा और वॉल्यूम के जगह यहां पर n बटा m, क्योंकि n हमें कितना यूज करना है 1 मोल, तो 1 मोल रखते हुए कप्पा * 1 बटा m, ये इन लीटर में हुआ, सेंटीमीटर क्यूब में बताने के लिए एक तरह से क्या कर दिया। यही था आपका मोलर कंडक्टिविटी, एग्जाम में आता है इतना लिखेंगे आपको मिलने वाला है। जस्ट इसी तरह का आपका है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो जल्दी से इसे नोट कर लेंगे और हम बात करने वाले हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। स्क्रीनशॉट मार लेंगे इसका और टॉपिक लगा देंगे आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सेम इसी तरह का, बस उसमें मोलारिटी कैसे काम ना होकर के नॉर्मलिटी से काम होता, क्योंकि उसमें संतुल्यांक खुला हुआ रहता है, समतुल्य भार खुला हुआ रहता है, जिस तरह से अनुभार अणु खुला हुआ था उसमें संतुल्यांक खुला हुआ रहता है। तो बात करें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, हिंदी में कहते हैं इसको तुल्यांकी चालक, तुल्यांकी चालक। तो इसका भी डेफिनेशन वही रहेगा, इसका भी डेफिनेशन वही रहेगा कि दो काफी बड़े इलेक्ट्रॉन के बीच रखा वैसा घोल जिसमें विद्युत अवकट्य का एक ग्राम समतुल्यांक खुला हो, देखो यही अंतर हो गया, एक ग्राम समतुल्यांक खुला हो, बस यही अंतर। उसमें क्या था कि एक ग्राम अणु खुला था, इसमें एक ग्राम समतुल्यांक खुला था, या इसका एक और फॉर्मूला डेफिनेशन हो जाता है कि विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व जिसको हम लोग कहते हैं कप्पा, तथा घोल के आयतन, घोल के आयतन V के गुणनफल को मोलर चालकत्व, अरे तुल्यांकी चालकत्व, तुल्यांकी चालकत्व कहते हैं। याद रखना है कि इसमें घोल का आयतन कैसा रहेगा बाबू, इसमें जो घोल का आयतन रहेगा जिसमें एक ग्राम समतुल्यांक खुला हो, इसमें क्या खुला रहेगा एक ग्राम समतुल्यांक, पिछला वाला में क्या खुला हुआ था एक ग्राम अणु, इसमें क्या खुला हुआ रहेगा एक ग्राम समतुल्यांक, किसका समतुल्यांक बाबू, अरे तो विद्युत अपघटेगा, किसका समतुल्यांक खुला हुआ रहेगा विद्युत अपघट्य, यानी कि कह सकते हैं कि डेल्टा इक्यू, इक्यू से इक्विवेलेंट कह देते हैं, यानी कप्पा इनटू क्या होगा वी, और ये वी कैसे रहेगा, इसमें एक ग्राम समतुल्यांक रहेगा, एक ग्राम समतुल्यांक। थोड़ा सा यहां से वी को निकाल के, चूंकि इक्विवेलेंट है तो नॉर्मलिटी से रिलेटेड करेगा, तो हम पढ़े थे चूंकि नॉर्मलिटी एन इक्वल टू, हमारे पास एक फॉर्मूला था याद कीजिए, पदार्थ का भार और बट्टा में समतुल्य भार हो जाता है, बट्टा में क्या हो जाता है समतुल्य भार, और वही गुणा में आयतन, और आयतन यहाँ भी कोची में रहेगा लीटर में रहेगा। अब यहाँ भी याद रखें कि ये जो आपका पदार्थ का भार बट्टे समतुल्य भार है, इसको कहते हैं समतुल्यांक, इसको क्या कहते हैं हम लोग समतुल्यांक, जैसे वहां पे पदार्थ का भार बटा अनुभार होता था मोल, यहाँ पे पदार्थ का भार बटा अनुभार क्या होता है समतुल्य भार क्या होता है समतुल्यांक, यानी n इक्वल टू डायरेक्ट कह देंगे कि समतुल्यांक अब बटे में कोची हो जाएगा आएगा, और आपको पता है समतुल्यांक कितना लेना है बाबू एक ग्राम, तो समतुल्यांक लेना है एक ग्राम, तो n इक्वल टू सीधे सीधे क्या हो जाएगा एक बटे आयतन, आयतन में कोची में है ये लीटर में, यानी कि यहां से आयतन को थोड़ा सा निकाले हम तो क्या हो जाएगा एक बटा नॉर्मलिटी, आयतन कोची में लीटर में, अगर यही आयतन को सेंटीमीटर क्यूब में रखना पड़े तो 1000 से क्या कर देंगे हम, ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में।
तो अब बात करते हैं इस फॉर्मूला में आते हैं, इसीलिए डेल्टा Q इक्वल टू कप्पा इंटू जो भी था, इससे यदि हम काम करें तो डेल्टा Q इक्वल टू कप्पा का तो कप्पा और आयतन सेंटीमीटर क्यूब में कितना आ गया 1000 बट्टा में एम। तो ये हो गया आपको तो दोनों एक है, मोलर चालक का तो क्या आया था कप्पा गुना 1000 बट्टा एम, उसमें मोलारिटी लिए थे, इसमें क्या लिए हैं नॉर्मलिटी लिए, बस अंतर इतना ही है, उसमें अणु या मोल घुला हुआ था, इसमें आपको समतुल्य भार या समतुल्य अणु घुला हुआ है। तो यही था आपका पूरा कंडक्टिविटी, इससे ज्यादा कंडक्टिविटी से क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, तो जल्दी से नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, खुद से अपना नोट बनाएंगे कॉपी में पेन से और खुद से नोट बनाकर उसको पढ़ेंगे, एग्जाम में अच्छा खासा नंबर आएगा। धन्यवाद।